हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फाइनली आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो आपके सामने आज होंडाई की एक एलांट्रा लाया हूँ जो कि 2017 का मॉडल है। तो इसमें हुआ क्या है वो चीज़ें मैं जरा आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले गाड़ी चालू कर रहा हूँ मैं। चालू करने के बाद एसी चालू किया हूँ, ब्लोअर चालू किया हूँ, लेकिन बट कूलिंग नहीं हो रही है। कूलिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसका कंप्रेसर ना हो चुका है ख़राब। ख़राब क्या हुआ है? इसका कंप्रेसर तो ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो ECV वाल रहता है वो वाल ख़राब हो चुका है। तो इस वजह से इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि उस वाल को रिप्लेस करके या फिर कंप्रेसर रिप्लेस करके या क्या क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद जो सिस्टम सही हो जाएगा फिर। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि इसमें वही नॉलेज दूंगा और वो चेक भी कैसे किया जाता है, उसको आप चेक कैसे करें वो भी आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले फाइनली मैं चलता हूँ बाहर। बाहर जा कर के यहाँ से AC चालू रखा हूँ, ब्लोअर चालू रहा, गाड़ी चालू है अपनी। तो बाहर सबसे पहले जा कर के कंप्रेसर में करंट चेक करते हैं कि करंट आता है क्या नहीं आता है। तो अपनी गाड़ी चालू है अभी, इसमें गैस भी देख पा रहे हैं बराबर है, 50 प्रेशर दिखा रहा है। गैस थोड़ा कम है लेकिन इतने में कंप्रेसर ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मीटर भी अपना थोड़ा आउट है। ये वैक्यूम का काटा जो देख पा रहे हैं, ये वैक्यूमिंग की तरफ काटा आके लगता है, लगभग 70 के ऊपर ही प्रेशर लगभग इसमें, क्योंकि मीटर थोड़ा आउट है अपना, इसकी वजह से सही नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले अपने को सप्लाई यहाँ ये चेक करना है कि जो कंप्रेसर की सॉकेट जो देख रहे हैं आप, ये खोलना है अपने को। खोल के देख पा रहे हैं इसमें एक दो कनेक्टर लगा हुआ है, यानी दो पिन है इसमें दो। तो इसमें मैं एक प्रेस बल्ब डालूँगा, यानी पुश बल्ब, प्रेस बल्ब जो बोलो। इस तरीके का बल्ब देख पा रहे हैं आप समझ गए होंगे बल्ब को क्या नाम है आपके वहाँ, क्या क्या बोलते हैं इस बल्ब को। तो इसको कुछ इस तरीके से कर देना है कि ये दोनों क्लिप में जाकर के बैठ जाए, इजीली बैठ जाए। तो चलो मैं इस दोनों को इसमें डालता हूँ और देखता हूँ सप्लाई आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देख पा रहे हैं बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, यहाँ तक के सिस्टम सही है। प्रॉब्लम कहाँ है? अपना कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। और एक चीज़ शेयर कर दे रहा हूँ कि ये सिस्टम में अगर गैस नहीं रहेगा और आप अंदर से AC चालू करेंगे, सिस्टम में गैस नहीं रहेगा तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। गैस कितना होना ज़रूरी है उसके लिए? कम से कम 60-70 प्रेशर होना ज़रूरी है, तभी कंप्रेसर को यहाँ सप्लाई देगा, नहीं तो ऐसे सप्लाई देगा नहीं। तो चलो फिर अब मैं गाड़ी बंद करता हूँ। आपको दिखा दिया कि यहाँ तक के सिस्टम अपना सही है, अपना फॉल्ट कंप्रेसर में है। तो कंप्रेसर में क्या कंप्रेसर ख़राब हुआ है या फिर इस ECV वाल ख़राब हुआ है? तो चलो सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ, गाड़ी बंद करके आता हूँ पहले। तो पहले मैं गाड़ी तो बंद कर चुका हूँ, अब अपने को करना क्या है फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे 12 नंबर का ये लूज़ करना है, बेल्ट लूज़ करना है, अल्टरनेटर को खोल के बेल्ट लूज़ करना है और कंप्रेसर के ऊपर से बेल्ट निकालना है, फर्स्ट ओपन ये करना है। तो चलो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद गैस भी छोड़ना है अपने को, तो गैस भी छोड़ देता हूँ। तो गैस भी लो होता है, तो चलो पहले इसको मैं खोलता हूँ। तो फाइनली ये बोल्ट लूज़ करने के बाद नीचे एक 14 नंबर दिया हो रहेगा, ये देख पा रहे हैं। तो इसको लूज़ करेंगे, उसके बाद इसको अंदर खींच देना जहाँ तक जा रहा है, उसके बाद अपना बेल्ट इजीली ये निकल जाएगा। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, निकल गया कंप्रेसर के ऊपर से अपना निकल गया। तो अपना गैस भी 0-0 हो गया। तो चलो अब मैं ज़रा इसका दोनों 12 नंबर खोलता हूँ पाइप लाइन का पहले। ये दोनों जो दिख रही है सक्शन और डिस्चार्ज लाइन, दोनों पाइप लाइन खोलता हूँ मैं, फिर आगे कंप्रेसर का बोल्ट खोलूँगा।
तो फाइनली दोनों पाइप खोल दिया हूँ। अब कंप्रेसर का 12 नंबर 4 बोल दिया हो रहेगा, वो खोलना है अपने को। तो चलो वो खोलता हूँ मैं, वो खोल के कंप्रेसर बाहर लेता हूँ। तो फाइनली अपना चारों बोल्ट खुल चुका है, अब कंप्रेसर नीचे से बाहर आ जाएगा। इधर से पाइप को थोड़ा साइड करना है। देख पा रहे हैं कंप्रेसर बाहर आ चुका, और कंप्रेसर देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लीन है, कहीं पे कुछ चढ़ा सा भी कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल या फिर ब्लैक वगैरह कुछ ऑयल ख़राब कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस इसका फॉल्ट क्या है कि ये वाल ख़राब हो गया है। 90% ये वाल ही ख़राब होता है हुंडई की गाड़ियों में, जिसमें ये वाली ECB वाल लगा हुआ रहता है, बाकी और कंप्रेसर का जल्दी ख़राब होता नहीं। आप कंप्रेसर एक बार चेक कर सकते हैं, कंप्रेसर बराबर है। तो मेरे को रिपेयर तो करना नहीं है, इसमें वाल रिप्लेस करना नहीं है, नया डालना है। तो नया ये रही, ये रहा इसका कंप्रेसर। सबसे पहले चेक कर ले ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। हैनोर मेड इन कोरिया AD2 गम्मा बार कोड दिया है, मतलब कंप्रेसर ओरिजिनल ही है ये। तो और इसको देखना नहीं है, देख पा रहे हैं कंप्रेसर किस तरीके से दिया हुआ है इसका। तो चलो मैं इसको अब फिटिंग करता हूँ डायरेक्टली। देख पा रहे हैं इसमें ऑयल दिया हुआ है, ऑयल ऊपर से थोड़ा सा मेरे को डालने की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा कुछ ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। कितना ऑयल डालूंगा मैं कंडेंसर और कंप्रेसर रिप्लेस करना है मेरे को, क्योंकि कंडेंसर का भी ये देख पा रहे हैं कंडेंसर ख़राब हो गया है। आप कंप्रेसर नया डाल दो तो कंडेंसर डालना लाजमी है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद फिर। तो इस तरीके से निकाला था, उस तरीके से डाल देना है अपने को। तो चलो मैं बोल्ट वगैरह लगाता हूँ सब। तो फाइनली अपना कंप्रेसर भी फिट हो गया, दोनों पाइपलाइन भी फिट हो चुकी है, बेल्ट भी डाल दिया हूँ। अब अल्टरनेटर का बोल्ट अपने को टाइट करना है, इसको लूज कर लेना है। तो अब इसको टाइट करेंगे, ये धीरे धीरे ये हो जाएगा। तो चलो इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, फिट कर लेता हूँ। तो फाइनली अपना बेल्ट वगैरह सब टाइट हो गया, देख पा रहे हैं। तो चलो अब कंडेंसर खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि कंडेंसर भी रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे काला देख लें, काला है या नहीं है वो चीज़ कंफर्मेशन कर लें। कंफर्मेशन करने के बाद ही तो चलो, मेरे को वैसे भी कंडेंसर चेंज करना ही है। तो कंडेंसर का दोनों बोल्ट खोल लेता हूँ यहाँ पे, और इधर लॉक दिया है, ये सब निकालता हूँ। निकालने के बाद फिर बाद में दिखाता हूँ। तो फाइनली सबसे पहले ये दोनों पाइप खोलना पड़ा, फिर रेडिएटर का ब्रैकेट खोल के इसको पीछे रहना पड़ा, फिर उसके बाद जाके ये कंडेंसर निकल चुका अपना। तो कंडेंसर देख पा रहे हैं कंडेंसर पूरा क्लीन है, कंडेंसर भी कुछ मसला नहीं है। तो चलो इसको बाहर निकाल देता हूँ, और रेडिएटर पर देख पा रहे हैं मट्टी उट्टी बैठा है, इसको एयर मार के क्लीन करता हूँ पहले मैं। तो फाइनली अपना कंडेंसर क्लीन हो चुका, अब न्यू वाला कंडेंसर देख लीजिए आप।
सेम कंडेंसर है। तो चलो फिर इसको मैं फिटिंग करता हूँ इसमें। तो फाइनली सब फिट हो चुका है, कंडेंसर वगैरह सब फिट हो गया, देख पा रहे हैं। तो चलो मैं इसमें जब तक प्रेशर मार के रखता हूँ। तो फाइनली लो वाला एडाप्टर लगा के रखा हूँ और इधर से हाई वाला मीटर लाइन में कनेक्ट हुआ है। कंप्रेसर चालू करता हूँ, चालू हो गया। ये बंद रखा हूँ, ये खुला रखा हूँ। तो 300 का प्रेशर मारता हूँ, मार के होल्ड रखता हूँ। देख पा रहे हैं? तो 300 पे होने पे है। तो 300 हो चुका है, 300 से थोड़ा ज़्यादा है। इसको मैं लो लेवल कर देता हूँ। तो अभी 300 बराबर है। तो चलो कुछ देर होल्ड रखता हूँ और देखता हूँ प्रेशर ड्रॉप वगैरह होता है क्या नहीं होता है। तो अपना प्रेशर अब तक तो होल्ड है, आधा घंटे से ज़्यादा ही हो गया। तो चलो इसको प्रेशर को मैं छोड़ देता हूँ। एक चिन्ह में लगा दिया, तो इसको भी निकाल लेने का, ये लाइन में लगाने का। क्योंकि इधर वैक्यूमिंग का मीटर है तो इसको बंद कर दिया, इसको खोल दिया, यहाँ से चालू कर लिया। ये देख पा रहे हैं वैक्यूम हो रहा है। तो चलो 10-15 मिनट वैक्यूम आने देता हूँ। तो अपना फाइनली वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैं जरा इतना सा ऑयल मार देता हूँ, लगभग 20-30 ml के लगभग ऑयल मार देता हूँ। यहाँ से बंद कर देता हूँ, कंप्रेसर को बंद कर देता हूँ। यहाँ से खोल के ये ऑयल डायरेक्ट मैं इधर डालूँगा, ये अंदर चला जाएगा। तो ऑयल मैं डाल दिया हूँ, इतना सा ऑयल डाल दिया। तो वापस से थोड़ा वैक्यूम कर लेते हैं अपन, 2-4 मिनट वैक्यूम कर लेता हूँ, फिर गैस का सिलेंडर लगाता हूँ इसमें। तो फाइनली अपना वैक्यूम भी कंप्लीट हो चुका और गैस का बाटला भी लगा चुका हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये वाली कंप्रेसर का वाल जो है ना निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सॉकेट लगी रहती है, ये सॉकेट निकालने का। इधर निकालने के बाद ये वाली लॉक ऐसा वाला कर लेने का और उसके बाद इसको यहाँ लगाने का। ये लॉक तो निकालता हूँ मैं ये लॉक को। तो ये लॉक फाइनली निकल चुका। उसके बाद एक माइनस स्क्रू लेने का, जिसको धीरे धीरे ऊपर साइड खींचना है। या फिर तो चलो इसको भी मैं निकालता हूँ। ऐसे निकलेगा नहीं, ये थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, कंफर्टेबल से पकड़ना पड़ेगा। तो ये फाइनली निकल चुका। ये वाली वाल रहती है जो कि 90% इसका ही फॉल्ट आता है। कंप्रेसर बिल्कुल क्लीन है, ये ख़राब हो गया है, इसकी वजह से कंप्रेसर काम नहीं कर रहा। तो चलो अब मैं इसमें गैस चार्जिंग वगैरह करता हूँ। सबसे पहले गाड़ी अंदर से चालू करके आता हूँ, फिर गैस डालेंगे इसमें अपन। तो फाइनली गैस का बाटला कनेक्टेड है इधर से और यहाँ से वाल खुला है। अभी गैस में ज़रा सा भी नहीं मारा हूँ, गाड़ी चालू कर दिया हूँ, अंदर से एसी चालू रखा हूँ। तो गैस छोड़ता हूँ मैं इसमें धीरे धीरे। देखिए कंप्रेसर ऑन हो चुका है।
प्रेशर देख लीजिए कितना बड़ा बना रहा है। ये मीटर लाइन सही है अपना, ये वाली मीटर लाइन जो है सही है, अभी चेंज कर चुका हूँ मैं इसको, क्योंकि पहले जो मीटर लाइन थी वो ख़राब था, थोड़ा सा आउट था, ये मीटर लाइन सही है। तो देख पा रहे हैं फैन भी चालू हो चुका, कंप्रेसर भी चल रहा है। हाँ भाई, तो गैस फुल होने देते हैं और यहाँ से इससे पहले आप चेक भी कर ले इधर कंप्रेसर हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद रिटर्न लाइन भी चेक करें, रिटर्न लाइन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, प्रॉपर तरीके से चेक कर लें रिटर्न लाइन कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रेशर भी देख लीजिए 30 के नीचे है अभी, और भी डाउन हो रहा है, 20-25 में रहता है इसका प्रेशर, ये वाली कंप्रेसर का। तो गैस फुल कर दें, पंखा उनका बराबर चालू होना उनका, तो चलो फिर अंदर चलते हैं कि कूलिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाहर तो सब सही दिख रहा है, चल रहे हैं, तो चलो जरा अंदर देख के आते हैं। अंदर भी कूलिंग तो बिल्कुल सही है, कूलिंग तो प्रॉपर हो रही है, बाकी कूलिंग का कोई इश्यू नहीं है। तो बाहर आप कंप्रेसर को भी चेक कर लेना कि कंप्रेसर हीट हो रहा है, थोड़ी देर चालू रखना आधा घंटा, चालू रखने के बाद चेक करना आधा घंटा एक घंटा जितना हो सके चेक कर, चालू करके रख के चेक कर लेना कि कंप्रेसर हीट वगैरह तो नहीं हो रहा है। अगर हीट हो रहा है तो फिर वहाँ पे आपको फॉल्ट पकड़ना है कि क्यों हीट हो रहा है कंप्रेसर। फिर ऐसा अगर हीट होगा अब भी स्टार्टिंग में है तो फिर ये धीरे धीरे हीटिंग सिस्टम बढ़ता जाएगा और कंप्रेसर ख़राब होता जाएगा, कंप्रेसर के साथ साथ पूरी सिस्टम को ख़राब कर देने लगेगा। तो ये चीज़ें आप चेक कर लेना, और उसके बाद बाकी अभी तो मेरा सिस्टम सब सही चल रहा है, मैंने चेक किया कंप्रेसर वगैरह सब नॉर्मल चल रहा है। और ये कंप्रेसर का जो अभी मैंने खोल के दिखाया, इसका जो वाल भी खोल के दिखाया, तो ये वाल जो है ना ये खोल के आप डाले रिप्लेस कर देंगे ना वो वाली वाल, तो आपका कंप्रेसर सही हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी है ना, इसकी वजह से कंप्रेसर चेंज करना पड़ा। तो आप अगर कंप्रेसर कभी भी अगर चेंज कर रहे हैं ना, तो कंप्रेसर के साथ साथ कंडेंसर आपको चेंज करना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कंप्रेसर चेंज कर देंगे और बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, कंप्रेसर चेंज करेंगे तो कंप्रेसर के साथ कंडेंसर आपको चेंज करना लाजिम है। तो गाइज आप लोग मेरे वीडियो में ना कोई कमेंट करते हो ना कुछ सब्सक्राइब, कुछ आता ही नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हो ना, आ रहे हो ना यहाँ पे, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ सीख के जाओगे सबसे पहले बात। और जब यहाँ आए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे बेहद खुशी होगी, और जब आप सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा ना तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बस बाकी कुछ नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि आप यहां की गाड़ियों या कहीं की भी गाड़ी हो, यहां की गाड़ी या कहीं की भी गाड़ी हो, सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊं कि मैं जो चीज़ें सीख चुका हूं ना उस चीज़ को बस आप लोगों के सामने रखूं, बाकी और कुछ नहीं। तो गाइस चलिए फिर इस वीडियो में यहीं तक के लिए, यहीं तक, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।